चलिएगा, स्वागत है आपका फिर से नई लाइन में। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, जिला लेंसर उत्तर प्रदेश से, और आपका स्वागत है लाइन पर। यदि हेल्थ से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो आप अपना सवाल जरूर से पूछिएगा। थैंक यू भाई साहिल मलिक साहब, वेलकम है हमारे लाइव पर आने के लिए। जी राहुल जी, सबसे पहले आपने पूछा यदि आपकी माता जी का ब्लड प्रेशर अगर कम रहता है तो आपको नमक का इंटेक आपको ज़्यादा करना है, क्योंकि सोडियम जो होता है वो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा देता है। तो आप जैसे कि वो खाना खाती हैं, सब्जी में थोड़ा एक्स्ट्रा नमक डाल लीजिएगा, उससे ब्लड प्रेशर उनका थोड़ा बढ़ेगा। और साथ में जो चाय कॉफ़ी, जो कि हाई ब्लड प्रेशर में उनको मना किया जाता है कि आपको चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो यदि आप उनका ब्लड प्रेशर लो होता है तो आप उनको चाय कॉफ़ी की थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चाय में जो जी राइट हाँ जी, तो बेसिकली कॉफ़ी के अंदर उनको कैफीन तत्व मिल जाता है। कैफीन एकदम दिमाग को स्टिमुलेट कर देता है, ब्लड प्रेशर आपको हाई कर देता है, इसलिए आप इसका सेवन करिएगा, ये डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और साथ में जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, पानी खूब ज़्यादा पीना, जितना ज़्यादा पानी पियेंगे वो हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और एक आप डॉक्टर की सलाह से कोई एक अर्जुनरिश सिरप आती है, अगर आप उसे किसी डॉक्टर की सलाह से यूज करेंगे तो उससे क्या है कि हार्ट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। मतलब यदि ब्लड प्रेशर आपका हाई है वो उसमें भी अच्छा काम करेगी, यदि ब्लड प्रेशर आपका लो है तो उसमें भी आपका बहुत अच्छा काम करेगी। जी आकाश कुमारी, मुझे कभी कभी घबराहट होती है। जी घबराहट होने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण रहता है कि ज़्यादातर ब्लड प्रेशर की समस्या है। यदि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसमें आपको घबराहट होने की संभावना रहती है, तो एक बार ब्लड प्रेशर अपना चेक करा लीजिएगा आकाश जी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घबराहट होने की संभावना रहती है। साथ में एसिड तेजाब अगर गैस इत्यादि बनती है तो गैस की वजह से भी बहुत लोगों को घबराहट हो जाती है। तो ऐसे में रिकमेंड किया जाता है कि कोई एक खाली पेट का जो कैप्सूल होता है उस कैप्सूल को अगर खा लेते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है। और थैंक यू वेरी मच लाइव पर बने रहने के लिए। और हेल्थ से संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल हो तो अपना सवाल और पूछ लीजिएगा। साहिल मलिक साहब, आपका सवाल है कि मेरा डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, तो देखिए डिस्चार्ज अगर जल्दी हो जाता है, अगर आप अनमेरिड हो तो डिस्चार्ज जल्दी होना लाजमी है, क्योंकि वो थोड़ा टाइमिंग प्रॉब्लम और समय का प्रॉब्लम अभाव की वजह से या फिर जल्दबाजी की वजह से या टेंशन की वजह से वो जल्दी डिस्चार्ज होना एक स्वाभाविक होता है। यदि आप मैरिड हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैरिड में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, अनमैरिड में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप मैरिड हो जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जी हाँ जी हाँ जी साहिल, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा अभी अपना स्टेमिना और टाइमिंग बढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जब आपको ज़रूरत होगी उस टाइम पे बढ़ जाएगा, अभी मत बढ़ाइए इसे, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई हंसराज कुमार हंसराज जी हमारे लाइव पर आने के लिए। रोहित जी थैंक यू वेरी वेरी मच। और आप लोगों का हेल्थ से संबंधित यदि कोई भी सवाल हो तो अपना सवाल जरूर से पूछिएगा। अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि किडनी में स्टोन है, मतलब 4 mm का स्टोन है, तो उसके लिए मैं घरेलू ट्रीटमेंट बताऊँगा, बहुत ही अच्छा है। आपको पत्थर चटा का पत्ता आप गूगल पर या इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, पत्थर चटा का पत्ता, तो ऐसा बोलिएगा तो उसमें आपको पत्थर चटा का पत्ता आपको दिखाई दे जाएगा। तो उस पत्थर चटे के पत्ते का आपको सेवन कैसे करना, सुबह सुबह 2 पत्ते खाली पेट आप उन्हें चबा लीजिएगा, ऊपर से गुनगुना पानी पीजिएगा, और ऐसा करने से लगभग 1 महीने के अंदर यदि आपको 4 mm की पथरी है बहुत जल्दी आपकी निकल जाएगी। बाकी आपको डॉक्टर की सलाह से कुछ मेडिसिन भी लेनी है, जैसे कि एक टैबलेट आती है जो कि आपको डॉक्टर की सलाह से यूज करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइन के थ्रू कुछ वो मेडिसिन अलग मेडिसिन का नाम नहीं ले पाऊँगा जी, तो इसलिए मैं आपका जो है थोड़ा पत्थर चटा एक घरेलू ट्रीटमेंट है, आप उसका सेवन करें। साथ में पानी खूब ज़्यादा पिएं, जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे वो आपकी पथरी निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। जी दीपेंद्र जी सर, आप गवर्नमेंट तो आपके लिए जी दीपेंद्र जी अभी बेटा थोड़ा अभी पॉसिबल नहीं है, तो अभी जॉब में है तो वही है, क्योंकि जॉब ज़्यादा सूट करती है ना लोगों को, अभी थोड़े इसमें ज़्यादा बस समझ जाओ आप, अभी जॉब की टाइमिंग है तो जॉब में ही रहने दो भाई, अभी जब टाइमिंग हो जाएगा तो फिर वो भी देखा ले जाएगा। थैंक यू सो मच सवाल पूछने के लिए और अपनी सलाह देने के भाई सिंह साहब, थैंक यू वेरी मच। जी सेरनी एमएक्स की, जी सेमएक्स एनडी जी का कल बर्थडे था, थैंक यू सो मच सभी लोग बर्थडे विश करने के लिए। जी जेके शर्मा जी थैंक यू सो मच हमारी लाइव पर आने के लिए। तो शर्मा जी यदि अब लीवर में सूजन है, देखिए लीवर में सूजन का
आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा तो SGPT और SG होती है, जो कि हम LFT कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में जब हमारा SGPT SGOT बड़ा होता है तो उसको लीवर की सूजन कहते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आप कोई भी लीवर की प्रिपरेशन एक साथ में चलाइएगा, और साथ में डॉक्टर की सलाह से ही आपको कुछ मेडिसिन यूज करनी है, जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन के थ्रू, मैं यहाँ पर मेडिसिन का नाम नहीं दूंगा, लेकिन लीवर की कोई सिरप है वो आपको यूज कर सकते हैं, लीवर की सिरप आपको यूज करनी है। साथ में जो एक पुनर्नवा एक चीज होती है आयुर्वेद में, पुनर्नवा, तो पुनर्नवा की सिरप, जो पुनर्नवा रिस्ट आती है सिरप, वो सिरप आप यूज करिएगा किसी डॉक्टर की सलाह से, वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। साथ में लीवर की सूजन के लिए तली हुई चीज़ें, पूरी पकवान वगैरह इत्यादि का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें, और फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखें, और ये डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद। कोई भी चिकनाई तली हुई चीज़ें ना खाएं, और साथ में एक अल्ट्रासाउंड और जरूर से करा लें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड कराने से एक्चुअली ये पता पड़ जाएगा कि सूजन के साथ में जो लीवर है आपका वो कितना परसेंट बढ़ गया है, क्योंकि जब सूजन आ जाती है तो उसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, जिसको हिपेटोमेगैली हम लोग कहते हैं। तो हिपेटोमेगैली अगर हो गई है फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो पता पड़ जाएगी। तो उसी हिसाब से आप मेडिसिन लीजिएगा, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट रही पहली, एक लीवर की सिरप कंटिन्यू यूज करिएगा, और साथ में आप थोड़ा ऑयली फूड, चिकन इत्यादि का बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। यदि आप एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको बताएंगे डॉक्टर साहब मेरा फैटी लीवर हो गया है, मतलब लीवर में सूजन, लीवर बढ़ गया है, तो एकदम सबसे पहले कहेंगे डॉक्टर साहब कितनी लेते हो, अपने पैक को थोड़ा कम कर दीजिएगा। सबसे मतलब ज़्यादातर लोगों का मतलब कारण यही होता है कि वो जो थोड़ा बहुत अल्कोहल का सेवन करते हैं या बियर इत्यादि का सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों में बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो वो बिल्कुल भी ना करें, साथ में चिकनाई बिल्कुल बंद रखें। थैंक यू सो मच भाई सभी लोगों का लाइफ पर बने रहने के लिए। तो राजप्रीत सिंह जी, राजप्रीत सिंह आपका समीर है, बवासीर के बारे में, जी बवासीर के बारे में बेटा क्या जानना था बता दीजिएगा। बेसिकली बवासीर की अगर प्रॉब्लम होती है तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन को हमें अवॉइड करना है। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या है कि अक्सर सुबह सुबह आप गुनगुना पानी का सेवन करें, जितना ज़्यादा गुनगुना पानी का आप सेवन करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर इंटेस्टाइन के अंदर कोई चिकनाई जमी होती है तो गर्म पानी पीने से, जी जी गर्म पानी पीने से आपका पेट सही रहेगा और आपका जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या वो आपको नहीं रहेगी। और ये कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं रहेगी तो ये आपके बवासीर में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि पाइल्स के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। थैंक यू सो मच भाई JK शर्मा जी, अगर आप नहीं पीते तो बहुत अच्छी बात है, मत पीजिएगा, साथ में गुनगुना पानी का सेवन करें, साथ में चिकना इत्यादि ना सेवन करें, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। और बवासीर के बारे में हम बात कर रहे थे अभी, तो सुबह सुबह आप गुनगुने पानी का सेवन करें, हॉट सीज बाथ इसमें बहुत अच्छा काम करता है, पानी से सिकाई करना, आपको एक टब में पानी भर लेना है, और उस टब में पानी भरने के बाद थोड़ा थोड़ा गुनगुना उसे कर लीजिएगा, या फिर इतना थोड़ा गर्म कर लीजिए जितना आसानी से आप उसमें बैठ सकें और उसमें कोई आपको मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो बैठने में। तो उसमें लगभग 20 से 25 मिनट के लिए उस गर्म पानी में आप बैठिएगा टब के अंदर। तो दिन में 3 बार अगर सिकाई करेंगे तो ऐसा करने से आपकी जो पाइल्स की समस्या है तो उसमें आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगा, क्योंकि सिकाई करने से वहाँ पे ईचिंग की प्रॉब्लम है, आपको पेन महसूस हो रहा है, और स्किन वहाँ की थोड़ी हार्ड हो जाती है कभी कभी, जो कि स्टूल पास करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो वो भी आपकी सही रहेगी। इसलिए हॉट सीज बाथ बहुत अच्छा काम करता है बवासीर के रोगियों को, तो इस सिकाई दिन में 3 बार आप करिएगा। बाकी किसी डॉक्टर की सलाह से आप अभ्यारिष सिरप 20-20 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद, और कुछ टैबलेट्स हैं जो भी आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्ट से लेनी है, जैसे कि अर्स कुठार रस है, आरोग्य वर्धनी बटी है, तो इन चीज़ों का आप डॉक्टर, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं उनकी संपर्क से ही इन दवाइयों को लीजिएगा। साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, पेट साफ करने के लिए रात को सोते समय त्रिफला चूर्ण या फिर आपको पंच सकार चूर्ण किसी डॉक्टर की सलाह से यूज करना। रात को सोते समय आपको आधा गिलास गर्म पानी में त्रिफला खाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आधा गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप डाल दीजिएगा, और जब वो पानी ठंडा हो जाए तब उसे पीजिएगा। तो थैंक यू, इससे ये सब लेंगे तो आप ये डेफिनेटली आपके लिए पेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में राजप्रीत जी, बवासीर के लिए आपको तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले इत्यादि का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें, यदि आप इनका सेवन करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपको बवासीर में प्रॉब्लम करेगा। लेकिन ये सब नॉर्मल तरीके हैं जो कि बवासीर में शुरुआती लक्षणों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन यदि आपका जो पाइल्स की ग्रेडिंग होती है, यदि पाइल्स का जो मस्सा आपका वो बड़ा हो गया है, वो बाहर निकलना शुरू हो गया है, तो उसे फिर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके क्षार सूत्र विधि से, उसमें क्षार सूत्र के द्वारा एक धागा होता है उसे बंधवा के उसे कटवा दीजिएगा,
तो लगभग 15-20 दिन में आपको हीलिंग हो जाएगी, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि क्षार सूत्र विधि से आप बवासीर का अगर इलाज कराते हैं तो उसकी रीअकरेंस की जो क्षमता वो बहुत कम होती है, रीअकरेंस आपको बहुत कम महसूस होगा। और थैंक यू वेरी वेरी मच भाई जे शर्मा जी गिफ्ट देने के लिए। अक्सर जो है यही हमारा टारगेट का ही पूरा नहीं हो पाता, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बगैर कहे दिए। तो बेसिकली मेरी बांग मांगता भी नहीं हूँ मैं, एक्चुअली सभी लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहा तो करो, कम से कम गिफ्ट दो गिफ्ट दो। मैंने कहा नहीं, जिसको देना होगा वो अपने आप दे देंगे। और थैंक यू सो मच भाई जे शर्मा जी आपने दिया जी। तो भाई जसप्रीत सिंह साहब आप इतना करिएगा, इतना डेफिनेटली आपके लिए आराम रहेगा, ठीक है। चलिए कहाँ से हो भाई जसप्रीत साहब, और थैंक यू वेरी मच हमारे लाइव पर आने के लिए, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। एक्चुअली हमारे लाइव आने का टाइम जो 9 बजे से 10 बजे का होता है, लेकिन थोड़ा आजकल अब बच्चों के जो स्कूल खुल गए हैं तो मुझे सुबह बच्चों को थोड़ा भी ट्यूशन के बाद उनका स्कूल का होमवर्क ये सब कराना होता है, मतलब 2-3 घंटे मुझे पढ़ाने के लिए उनको बैठाने के लिए होता है, क्योंकि क्लिनिक से मैं आता हूँ उसके बाद उनको पढ़ाने के लिए बैठाता हूँ। तो अभी उनको पढ़ के बैठ के पूरा कंप्लीट होने के बाद अब वो सो गए हैं, तब मैं लाइव पर आया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइमिंग थोड़ी लाइव की बदल दी जाए, 10 बजे के आसपास ही लाइव आना होगा जी। तो थैंक यू सो मच भाई राहुल, तो आपकी बातें बड़ी ध्यान से सुनता हूँ सर जी। थैंक यू सो मच भाई राहुल साहब ध्यान से सुनने के लिए, अब चलिएगा। थैंक यू फॉलो करने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी का रह गया हो तो मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। तो अभी अगर आपका सवाल अगर रह गया हो तो अपना सवाल जी। ब्लड नहीं आता सर, अच्छा ब्लड नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप सिकाई से बहुत अच्छा काम करेगा आपका ये, आई कैन अंडरस्टैंड जी। दीपेंद्र सिंह जी MX की सिरनी, रोहित RS लाइव, वेट बहुत कम है हो जा रहा है एनी प्रॉब्लम जी। सफिक्स सेंटेक्स वेट बहुत कम होता जा रहा है एनी प्रॉब्लम, यस बहुत प्रॉब्लम है भाई सफिक्स जी, ये तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है वेट कम होना। एक्चुअली क्या है कि मैंने पहली लाइन में भी आपको बताया था कि वेट लॉस होने के क्या क्या कारण हैं, तो सफिक्स साहब मैं आपको बता देता हूँ कि वेट लॉस होने के क्या क्या कारण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण हो जाता है कि हाइपर थायरॉयडिज्म, हमको थायराइड की समस्या होने लगी कि थायरॉक्सिन का जो लेवल है हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हमारा वेट कम होने लगता है। और थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ने की वजह से हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाती है, भूख हमें बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन वजन हमारा कम होने लगता है। तो ये हाइपर थायरॉयडिज्म में ऐसा होता है। तो यदि लगता है कि आपका वजन कम होने लगा तो एक बार थायराइड अपना चेक करा लीजिएगा। और कभी कभी अननोन केस ऑफ शुगर का होता है, यदि हमारे शरीर में इंसुलिन का लेवल अगर कम होने लगता है, इंसुलिन का लेवल अगर कम होने लगेगा तो हमको शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी भूख बहुत ज़्यादा लगेगी लेकिन आपका वजन कम होने लगेगा, तो आप ये चेक करा लीजिएगा कहीं आपको शुगर तो बननी शुरू नहीं हो गई है। तो शुगर की वजह से भी वजन कम होने लगता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आप खाना मतलब जितना आपको खाना चाहिए इतना खाना नहीं खा पा रहे हैं जितना हमारा शरीर को जरूरत है, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी हम ज़्यादा करते हैं जी। फिजिकल एक्टिविटी हम ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि कोई जिम वगैरह में कर रहे हैं, कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग डाइट हमारी नहीं ले पा रहे हैं। तो यदि डाइट हमारी उस हिसाब से नहीं है, वर्क ज़्यादा है तब भी हमारा वजन नहीं बढ़ेगा, हमारा वजन कम होने लगता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट तरीका TB की बीमारी, यदि किसी को TB की बीमारी बन जाए, साथ में खांसी जुखाम बुखार बार बार बुखार आना, इवनिंग राइजिंग टेम्परेचर, रात को सोते में बहुत ज़्यादा पसीने आने की संभावना होना, खांसी होना, मलगम होना, और ज़्यादा सीरियस कंडीशन में मलगम में खून आ जाना, तो TB का जो लक्षण होता है TB के पेशेंट को भी वजन कम होने लगता है। तो एक संभावना ये भी हो जाती है, यदि आप HIV/AIDS से पॉजिटिव हैं, HIV/AIDS के जो पेशेंट होते हैं उनका ब्लड उनका जो वेट है वो भी बहुत कम होने लगता है, बहुत तेज़ी से वजन गिरता है। यदि आप किसी क्रॉनिक बीमारी से ग्रस्त हैं, कोई आपको लंबी समय से कोई लंबी हार्ट संबंधी, किडनी संबंधी, लीवर संबंधी कोई क्रॉनिक बीमारी जो कि 6 महीने से ज़्यादा बीमारी से आप परेशान हो, तब भी आपकी बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी कि आपका जो वेट है वो आपका कम रहेगा। साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एनीमिया, यदि हमारा एनीमिया की शिकायत है, हमारी शरीर में खून की कमी है, तब भी हमें बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी कि आपका जो मतलब वेट है वो हमारा कम होता रहेगा, हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। साथ में हंसराज कुमार जी ने बताया कि प्रोटीन डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में रहेगी, प्रोटीन मतलब
पोषक तत्व से युक्त खाना, मतलब प्रोटीन का मतलब आगे पोषक तत्व आ जाएगा, यदि हम उचित पोषक तत्व युक्त खाना नहीं खा रहे हैं, उसमें प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन है, ये प्रॉपर मात्रा में हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहे, मतलब बैलेंस डाइट हम नहीं ले पा रहे हैं, तो कुमार हंसराज जी हमारा बहुत ज़्यादा कॉजिज रहेगी कि हमारा जो वेट है वो हमारा वेट कम होने लगता है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच सभी लोगों का लाइफ पर बने रहने के लिए। और हेल्थ से संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा। और थैंक यू सो मच, यदि किसी का कोई सवाल छूट गया हो तो एक बार दोबारा से पूछ लीजिए। साक्षी सिंह राजपूत, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारी लाइव पर और थैंक यू सो मच। तो आज हमने जो शुरुआत करी थी वो ब्लड प्रेशर के बारे में शुरुआत करी थी कि ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है तो हमें उसमें क्या करना है। तो यदि ब्लड प्रेशर हमारा हाई रहता है तो सोडियम का जो इनटेक है वो हमें कम करना है, बंद नहीं करना है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे पता पड़ी ब्लड प्रेशर की हमारी समस्या है तो तुरंत हमारा खाना पीना एकदम वो बंद कर देंगे, नमक एकदम खाना बंद कर देंगे, जबकि नमक हमें बंद नहीं करना है, क्योंकि नमक के अंदर सोडियम एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए हमें सोडियम का इनटेक बंद नहीं करना है, कम करना है। तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग खाना खाते हैं जब, तो अलग से अपने खाने में सब्जी में नमक बुरक लेंगे, या फिर सलाद खा रहे हैं सलाद में ऊपर से नमक बुरक लेंगे, या फिर हम दही का सेवन साथ में करें तो दही में अलग से नमक बुरक लेंगे। तो ऐसा नमक बुरकने की वजह से, नमक डालने की वजह से एक्स्ट्रा नमक अगर सेवन करते तो वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमें एक्स्ट्रा नमक का सेवन नहीं करना, स्पेशली यदि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है तो। तो इसमें जो सेंधा नमक होता है, आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करिएगा, और सेंधा नमक बहुत अच्छा काम करता है। जिसको सेंधा नमक आप कह सकते हैं कि जो व्रत वाला नमक होता है, व्रत वाले नमक का आप इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो यदि आप अपना सोडियम इनटेक, मतलब नमक का सेवन अगर आप कम कर लेंगे तो लगभग 5 से 6 mm तक आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है। जी, और थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का लाइव पर बने रहने के लिए। और हेल्थ से संबंधित आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो प्लीज आप अपना सवाल पूछते रहिएगा, और किसी का सवाल स्किप हो गया हो तो एक बार वो दोबारा पूछ लीजिएगा। कोई भी माइंड ना करे और नाराज ना हो कि हमारा सवाल नहीं लिया है, सवाल सबका लिया जाता है लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसलिए उसका परेशान उसके बारे में बिल्कुल भी ना हो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अपना ब्लड प्रेशर कम करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करती है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो 10 mmHg तक आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो वो 10 mmHg तक कैसे कम होगा, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर लगभग 150 mmHg रहता है और आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपका लगभग 140 mmHg आपका ब्लड प्रेशर हो जाएगा। उसके लिए आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करिएगा, योगा करिए, जॉगिंग करिएगा, स्विमिंग करिएगा, साइकिलिंग चलाइएगा, वॉक करिएगा, या फिर आप से तो बाहर नहीं जा सकते हो। नमस्कार भाई पटेल साहब, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारी लाइव पर। तो जॉगिंग करिएगा, या फिर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में सीढ़ी चढ़िएगा, सीढ़ी उतरिएगा। ऐसे करने से भी, मतलब फिजिकली एक्टिविटी करने से हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि रिसर्च बताते हैं जितनी ज़्यादा हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे वो हमारे जो हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर हमारा कम करता है। और यदि आप बहुत ज़्यादा वजन आपका हाई है पटेल साहब, तो मदन पटेल जी, यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो सॉरी यदि आपका वजन ज़्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। यदि आप अपना वजन कम करते हैं, यदि आप 1 kg अगर वजन कम कर लें तो 1 mmHg आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस तरह से यदि आप चाहते हैं कि अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, ब्लड प्रेशर आपका कम रहे, तो आप लगभग 5 kg वजन अगर आप कर लेते हैं तो 5 mmHg तक आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। जैसे कि यदि आपका 145 mm आपका ब्लड प्रेशर चल रहा है तो यदि आप 5 kg वजन कम कर लेंगे तो आपका 5 mmHg ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का लाइव पर बने रहने के लिए।
भाई सेम पेशेंट नॉट डाइजेस्ट प्रोटीन फूड एज द वी ईट ओनली राइस। सेम पेशेंट या सम पेशेंट? भाई सम पेशेंट नॉट डाइजेस्ट प्रोटीन फूड सो दैट ओनली राइस। यार बड़ी हार्ड अंग्रेजी लिख दिया यार आपने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं। थैंक यू मोहम्मद भाई आदिल साहब। आप मुझे हंसराज जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ पेशेंट को प्रोटीन फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, वो केवल राइस को खाते हैं केवल। तो देखिए ऐसा क्या है, जैसे वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का मुख्य रूप से चावल ही खाया जाता है पहले से, तो वो चावल से अगर कुछ दूसरा खाना खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो ये हमारी बॉडी भी अडॉप्ट कर जाती है कि किस तरह का खाना खाना है, तो ये इस वजह से हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो जैसा बचपन से हम खाते हैं तो उसी चीज़ को डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो यही ज़्यादातर हमारी आदत हो जाती है। फूड मतलब हमारे जो स्टोमक है उसको वो एक डेफिनेट चीज़ को आदत हो जाती है खाने की। यदि वो रोटी अगर खाने शुरू करेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं करेंगे, वो चावल खाने की आदत है, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में चावल, मछली चावल या फिर दाल मछली चावल, हाँ मछली चावल ही ज़्यादा यूज होता है वहाँ पर। जी थैंक यू सो मच भाई कुमार साहब सवाल पूछने के लिए। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हम ब्लड प्रेशर कम करने के लिए बताते हैं कि आपको हेल्दी डाइट रखनी है। हेल्दी डाइट में आप साबुत अनाज, जैसे कि साबुत अनाज का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, फल सब्जी है फल सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। पानी खूब ज़्यादा पिए और फैट का सेवन बहुत ही कम करें। दूध या दूध से बने जो प्रोडक्ट हैं उनका सेवन बहुत कम करें। फुल क्रीम वाला जो दूध है उसका सेवन बिल्कुल प्रयोग ना करें। तो इस तरह से यदि हमारा हेल्दी डाइट रहेगी, ज़्यादा जंक फूड है, चिकना इत्यादि का फूड है, उन चीज़ों का हम बिल्कुल भी सेवन ना करें। जैसे पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर इत्यादि, कोल्ड ड्रिंक है और बाहर का तली भुनी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का हमें सेवन नहीं करेंगे तो ये हमारे ब्लड प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। और थैंक यू वेरी वेरी मच सभी लोगों का लाइफ पर बने रहने के लिए। और हेल्थ से संबंधित यदि आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप अपना सवाल जरूर से पूछ लीजिएगा। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको अल्कोहल का इंटेक आपको कम करना है, क्योंकि यदि हम दवाई भी खाते हैं और अल्कोहल का इंटेक भी करते हैं तो फिर हमें दवाई की डोज बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दवाई जो होती है उसका जो एफिकेसी है वो अल्कोहल की प्रेजेंस में कम हो जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका दवाई अच्छा काम करे तो अल्कोहल का इंटेक आपको कम करना है। वैसे एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अल्कोहल बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है हमारे शरीर के लिए, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, और जो हमारे शरीर के वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इसलिए हमें जो वाइन है, अल्कोहल है, उसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, यदि आप ब्लड प्रेशर कम करना चाहते हैं तो आपको स्मोकिंग क्विट करनी होगी। स्मोकिंग अल्कोहल की किस्म तो बाहर तक चला, अल्कोहल थोड़ा कम कर लीजिएगा, लेकिन यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग तो आपको बिल्कुल ही छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो निकोटीन होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, साथ में आपको लंग्स की डिजीज कॉज करेगा, हार्ट डिजीज कॉज करेगा, आपको स्ट्रोक का खतरा कर सकता है, कैंसर आपको कॉज कर सकता है, COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मतलब श्वास संबंधी जो रोग है वो भी आपको कर सकता है। तो इस तरह से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा संभावना स्मोकिंग की वजह से होती है। तो पटेल साहब जरा एक मिनट रुकिएगा, मैं ब्लड प्रेशर कंप्लीट कर दूं, उसके बाद आप ही का सवाल लिया जाएगा। और थैंक यू वेरी वेरी मच सवाल को पूछने के लिए। और यदि हेल्थ से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो आप अपना सवाल जरूर से पूछ लीजिएगा। पटेल साहब बस दो मिनट वेट करिएगा, बस मेरा एक टॉपिक खत्म होने वाला है, क्योंकि ये सारंग शर्मा जी ने पूछा था सवाल कि किस तरह से हम ब्लड प्रेशर को अपने को घरेलू रूप से कम कर सकते हैं, तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपको कैफीन, यदि आप चाय इत्यादि का सेवन करते हैं, सॉरी कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉफ़ी का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि कॉफ़ी में जो कैफीन तत्व होता है वो भी आपके ब्लड प्रेशर को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। यदि हम कॉफ़ी का सेवन बंद कर देंगे तो आपका 10 mmHg तक आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में रिड्यूस स्ट्रेस, यदि आपको कोई स्ट्रेस टेंशन है, आपको मतलब किसी टाइप का कोई भी टेंशन आप ले रहे हो दिमाग में, शारीरिक मानसिक या फिर आपका कोई पारिवारिक किसी तरह की टेंशन है या वर्क लोड का प्रेशर है आपके, तो किसी टाइप के अगर टेंशन लेंगे तो टेंशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर आपका
नॉर्मल रहने के लिए जरूरी कि आपको टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं रहनी है। साथ में एक चीज का और ध्यान रखिएगा, कोई भी आपको मतलब जी जी चलेगा। थैंक यू सो मच सभी लोगों का लाइव पर आने के लिए, और कोई भी हेल्थ से संबंधित किसी का कोई भी सवाल हो तो अपना सवाल पूछ लीजिएगा। आज हम बात करें यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसे हम कैसे घरेलू रूप से मेंटेन कर सकते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया सारे तरीके। सोडियम इनटेक आपको कम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और एक्स्ट्रा वेट को अपना कम करना है, हेल्दी बैलेंस डाइट आपको लेनी है, शराब का इनटेक आपको कम करना है, और साथ में स्मोकिंग आपको बिल्कुल छोड़ देनी है, चाय कॉफ़ी का इत्यादि सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, स्ट्रेस लेवल बिल्कुल जीरो रखना है आपको, और सुबह सुबह योगा प्राणायाम करिएगा। सुबह सुबह 30 मिनट के लिए योगा प्राणायाम करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, इससे आपके दिमाग को शांति मिलती है, ब्लड प्रेशर आपका कम रहता है। और थैंक यू वेरी वेरी मच सभी लोगों का लाइव पर आने के लिए, और कोई भी सवाल आपका हो तो अपना सवाल आप जरूर से पूछिएगा। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं मिस्टर मदन पाल जी, मदन पटेल जी का। तो मदन पटेल जी, आपका सवाल था कि मेरा 88 है, वजन 88 है, तो मेरी हाइट 5'5" 5'11" मतलब 6 फुट के आसपास आपकी हाइट है, तो फिर भी ये वजन आपका है भाई, 70 के आसपास अपना वजन लाइएगा मदन पटेल साहब, 70 के आसपास अपना वजन लाइएगा। अभी लगभग आपका 18 किलो मतलब 20 किलो के 18-20 किलो के आसपास आपका वजन ज़्यादा है, तो पटेल साहब बहुत हैवी हो गए हैं आप, तो हैवी वजन बढ़ने का संभावना बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों में होती है कि जो कि मतलब एक तरह से खाना खाया, मतलब ऑफिस से आए या कहीं कोई काम करके आए, रात को लेट 10-11 बजे 11-12 बजे आप आ रहे हो, एकदम खाना खाया और खाना खाने के बाद तुरंत एकदम लेट गए, तो ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि आपका जो वेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो मदन पटेल साहब, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि खाना कम से कम सोने के 2 घंटे पहले खाएं, और खाना खाने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए ज़रूर से टहलें। यदि आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और थैंक यू वेरी वेरी मच सभी लोगों का लाइव पर आने के लिए, और हेल्थ से संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जी। ओहो अबरार साहब, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं। और भाई अबरार, मैं एकदम बढ़िया हूँ, अपना बताइए कैसे हैं आप। तो भाई कुमार हंसराज जी, भाई सम पेशेंट स्टार्ट वॉमिटिंग आफ्टर वॉचिंग एनिमल कटिंग। भाई अबरार साहब बताएंगे इसके बारे में। भाई अबरार साहब, हंसराज जी पूछ रहे हैं कि किसी जानवर को अगर कोई काटते हैं, कुर्बानी अगर करते हैं, तो किसी पेशेंट को उल्टी क्यों आ जाती है, बताइए भाई अबरार साहब। ये अबरार साहब इसकी चीज़ के स्पेशलिस्ट होंगे शायद, इसको ज़्यादा आइडिया होगा। अबरार भाई बताइएगा, अगर हम किसी जानवर को कट करते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया मिस्टर हंसराज जी ने पूछा है कि वॉमिटिंग क्यों आ जाती है। एक्चुअली यार ऐसा हंसराज पटेल साहब, मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं गया था जामनगर, जामनगर में हमारे बड़े भाई रहते हैं, मतलब रहते थे उस टाइम पे, तो मैं जामनगर गया, तो उस टाइम पे मुझे बोला गया कि भाई जाओ अपना जाके आपका दिल घाट, दिल घाट होना चाहिए, दिल घाट होना चाहिए जी। तो भाई अबरार साहब, तो हम जामनगर में गए, हमारे भाभी जी ने बोला कि जाओ थोड़ा सा मुर्गा ले आओ, और उसके बाद में जो है आज मुर्गा बनाते, तो तब हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पर हमने मुर्गे का जब ऑर्डर लिया तो उसने जो उसकी गर्दन काट के उसमें डाल दिया नीचे, वो ऐसे फड़फड़ वो, उसको मैंने देखा तो मेरा देख के जो एकदम मेरा जो मतलब मैंने देखा नहीं था ऐसे कटते हुआ कभी, तो फिर मेरा जो उस टाइम पर मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ यार हम क्या खा रहे हैं, तो तब उस टाइम पर थोड़ा जो है उल्टी जैसा मतलब नोजे टाइप को मुझे महसूस हुआ था, तो फिर मैंने जो है बड़ा समझ जाऊँगा, तो वो थोड़ी सी चेंज उस टाइम पे हुआ था। तो ऐसा किसी को मतलब जो उसे ज़्यादा डीपली लेते हैं, मैं सोचा कि ज़्यादा उस चीज़ को ज़्यादा डीपली लेते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो ऐसा हो जाता है जी जी। तो अबरार साहब बोले कि इसके लिए स्ट्रांग होना चाहिए भाई, है ना जी। तो भाई हंसराज, तुम बहुत सारे सवाल पूछते हो यार,
आप ना अपने बारे में कुछ बताते नहीं हो आप मुझे। मैं आपसे कल भी पूछ रहा था कि आप क्या हो, कैसे हो, कहाँ से हो, तो कुछ तो बताइए अपने बारे में आप। लेकिन बहुत ही आप एक साइंटिफिक क्वेश्चन और आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन आप पूछते हो जी। आप अपने बारे में थोड़ा बताइएगा भाई। फूड एलर्जी ठीक हो सकती है क्या? नहीं जी, फूड एलर्जी बड़ी आसानी से सही नहीं होती है। फूड एलर्जी, डस्ट एलर्जी, पॉलन ग्रेन एलर्जी, सीजनल एलर्जी, इस चीज़ों में क्या करना होता है। सब सो गए भाई आज? आज मैंने उनको 10:30 बजे तक पढ़ाया है बच्चों को, 10:30 बजे तक, क्योंकि ना अबरार अब स्कूल खुल गए ना बच्चों के यार, तो अब मेरा थोड़ा लाइव का टाइम डिस्टर्ब हो गया इसी वजह से। मैंने 9 बजे का टाइम डाला हुआ, लेकिन मैंने उनको 9:30 बजे तक पढ़ाया। तो 10:30 बजे तक जब पढ़ जाते हैं ना, फिर पढ़ के थक जाए बजे सो जाते हैं, फिर सारे सो गए। अब जब वो सो जाते हैं फिर मैं सोचता हूँ चलो अब लाइव आया जाए, फिर मैं लाइव आ जाता हूँ। अच्छा अच्छा हाँ, हंसराज जी बिहार से हो आप, तो प्रैक्टिस वगैरह करते हो क्या भाई? हंसराज, हंसराज कोई प्रैक्टिस भी करते हो क्या? तो अबरार सब आंटी अंकल सब सो गए हैं आज, बच्चे सब। तो मैंने भी यही सोचा कि चलो अब उनको पहले पढ़ाया, पढ़ाने के बाद फिर उनका जो है सोने का टाइम हो ही जाता है, फिर हम थोड़ी देर लाइव आ जाते हैं जी। जी चलेगा, थैंक यू सो मच सभी लोगों का लाइव पर आने के लिए। और कोई भी सवाल आप लोगों का हो तो अगर पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम थोड़ा चलते हैं जी। ग्रैंडफादर इज डॉक्टर, वेरी गुड भाई हंसराज जी, डॉक्टर फैमिली से हैं आप तो। चलिएगा, रफीगंज औरंगाबाद बिहार, यस चलेगा भाई हंसराज जी। हमारा भी जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ भी औरंगाबाद ही उसका नाम है, लेकिन ये जिला बुलंदशहर का एक छोटा सा कस्बा है औरंगाबाद, हम औरंगाबाद में रहते हैं जी। थैंक यू सो मच सभी लोगों का लाइव पर आने के लिए, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जो जुड़े हैं नेक्स्ट लाइव पर हम जल्दी आएंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और कोई सवाल आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू जी।